पुलिस ने दबोचा तो गिड़गिड़ाने लगा शाहिद। साहब गलती हो गई, वो तो हमारे रहनुमा है। जी हाँ, ये शब्द है उस युवक के जिसने मोदी योगी पर अभद्र टिप्पणी की थी। लेकिन जब पुलिस की गिरफ्त में आया तो लगा गिड़गिड़ाने कि साहब नशे में मुंह से निकल गए ये शब्द। अब कमान से निकला तीर और जुबान से निकले शब्द वापस तो हो नहीं सकते, ऐसे में इलाज होना तो तय था और हुआ भी ऐसा ही। इधर वीडियो वायरल हुआ और उधर यूपी पुलिस ने इलाज की तैयारी शुरू कर दी। अब ये तो सबको मालूम है कि यूपी पुलिस इलाज अच्छे से बांधती है, लेकिन ये साहब तो गजब निकले। इलाज से पहले ही मान गए कि गलती हो गई थी। तो चलिए आपको बताते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद में प्रधानमंत्री व प्रदेश के मुख्यमंत्री पर अभद्र टिप्पणी करने एवं अशोभनीय भाषा का प्रयोग करने वाले गिरफ्तार आरोपी को पुलिस ने जेल भेज दिया। इस दौरान आरोपी ने अपनी गलती स्वीकारी और कहा कि साहब उससे गलती हो गई, मोदी योगी तो हमारे रहनुमा हैं। सोशल साइट एक्स पर वायरल वीडियो में एक युवक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व सीएम योगी पर अभद्र टिप्पणी कर रहा है। वायरल वीडियो को देखते ही बजरंग दल व भाजपा भड़क गए थे। बजरंग दल के विभाग सह संयोजक राघवेंद्र सिंह धाकरे उर्फ रघु धाकरे निवासी अधैत भवन ने वायरल वीडियो को संज्ञान लेते हुए अभद्र टिप्पणी कर रहे आरोपी शाहिद उर्फ चमन निवासी नगला मस्जिद लाइन पार टुंडला के विरुद्ध थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पुलिस ने आरोपी को देर शाम गिरफ्तार कर लिया था। उसके खिलाफ आरोप पत्र तैयार करते हुए उसे जब पुलिस न्यायालय ले जाने लगी तो वो गिड़गिड़ाने लगा। पुलिस के सामने उसने कहा कि वो नशे में था, तभी कुछ लोगों ने उसे उकसा दिया था। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो देश के गौरव है, वो बोला कि वो तो हम लोगों के रहनुमा है, वो तो हर गरीब को मुफ्त में राशन और इलाज दे रहे हैं, वो तो हम लोगों के रहनुमा है, आगे से कभी ऐसी गलती नहीं होगी, अपनी गलती के लिए मैं माफी मांगता हूँ। वहीं थाना प्रभारी कुलदीप दीक्षित ने बताया कि आरोपी शाहिद उर्फ चमन को सुबह न्यायालय भेजा गया, जहाँ से उसे जेल भेज दिया गया है। सर, वायरल ट्विटर पर जो मामला चला है ये क्या है? देखिए, अभी एक सूचना मिली कि ट्विटर पे एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए इसको ट्रेस किया गया तो पता चला इस जो लड़का है इसका नाम चमन अली है, जो ये लाइन पार चौकी क्षेत्र थाना टुंडला के अंतर्गत रहने वाला है, जिसको हिरासत में ले लिया गया है और इसके आगे जो भी विधिक कार्रवाई है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल ये आरोपी जेल की हवा खा रहा है, तो ऐसे में कहा जा सकता है कि शाहिद का इलाज होने से पहले ही उसका इलाज हो गया। तो आप भी इस वीडियो को शेयर कीजिए और जुड़े रहिए हेडलाइंस इंडिया के साथ। देखिए, अभी एक सूचना मिली कि ट्विटर पे एक ट्वीट वायरल हो रहा है जिसमें एक लड़का माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए अभद्र भाषा का प्रयोग कर रहा है, जिसका संज्ञान लेते हुए इसको ट्रेस किया गया तो पता चला इस जो लड़का है इसका नाम चमन अली है, जो ये लाइन पार चौकी क्षेत्र थाना टुंडला के अंतर्गत रहने वाला है, जिसको हिरासत में ले लिया गया है और इसके आगे जो भी विधिक कार्रवाई है और सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके कार्रवाई की जाएगी।